दरभंगा के डीएमसीएच में सोमवार की सुबह एमबीबीएस के छात्रों का आक्रोश एक बार फिर भड़क उठा। मामला बीते महीने जारी 2019 सत्र के छात्रों के परीक्षा परिणाम से जुड़ा है। इन परिणामों में पूरे बिहार में पहली बार एक साथ करीब 40% बच्चों को फेल कर दिया गया। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से वार्ता करने के बाद भी जब इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो आज यह सभी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। इनका आरोप है कि कॉपी जांच में भयंकर लापरवाही बरती गई है। सुबह सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों ने ओपीडी व इमरजेंसी सेवा को ठप करा दिया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन के मान मनोबल के बाद सेवाओं को सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एकेयू हाय हाय, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एकेयू हाय हाय, एकेयू हाय हाय, एकेयू हाय हाय। यहाँ पे एकेयू में जो हमारा एग्जाम हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम फर्स्ट प्रोफेशनल, उसमें काफ़ी मतलब 120 में 50 बच्चों का फेल कर दिया गया है। जबकि जब हम लोग आरटीआई फाइल किया और जब हम लोग ने अपना कॉपी चेक किया तो देखा गया कि जिस जो क्वेश्चन हम लोग ने अटेम्प्ट किया है वो टिक भी किया हुआ है एंड नॉन अटेम्प्टेड लिखा हुआ है। हमारे एमसीक्यूज जो सही है उसमें भी 0000 मार्क्स बैठाया गया, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिसको 2-3 मार्क्स से फेल किया गया। ये सब बहुत गलत है। एक तो एकेयू ने पहले यूनिवर्सिटी में बुला के हम लोग का पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग को एग्जाम पटना जाके एग्जाम देना पड़ा, वो भी 3 दिन पहले बताया गया। ठीक है, पटना में बहुत लोगों के घर नहीं है, वहाँ पे एडजस्ट करना, वहाँ पे फूडिंग वगैरह सबका इंतज़ाम करने में हम लोग का बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, ऊपर से हम लोग का टाइम भी वेस्ट हुआ। जो टाइम हम लोग को एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में देना था, हम लोग वहाँ पे रहने का व्यवस्था करने में टाइम चला गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एकेयू में एग्जाम हुआ, 6 महीने बाद हमारा रिजल्ट आया, लिटरली 6 महीने बाद, जो कि हम लोग का पूरा टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि हम लोग का सेकेंड ईयर अभी तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था। 6 महीने बाद हमारे रिजल्ट आया, और ऐसा रिजल्ट आया है जिसके कारण मतलब कि हमारे सारे मतलब बैचमेट्स जो भी है, हम लोग जितने लोग फेल हुए सब मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। ठीक है, विद इन 25 डेज ऑफ सप्ली का, कुछ तो ऐसे बच्चे जिनका 3-3 सब्जेक्ट में सप्ली लग चुका है, तो वो बताइए कि 1 महीने में 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, वो भी 6 महीने के गैप पे। 6 महीने से ऑब्वियसली सब फर्स्ट ईयर तो पढ़ नहीं रहे होंगे, सब लोग अपना सेकेंड ईयर से पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, तो बाकी जो 6 महीने मतलब 1 महीने का गैप में जो सप्ली का डेट निकाल दिया है, वो 3-3 सब्जेक्ट कैसे कम्प्लीट करेंगे। ये क्यों कभी नहीं सोचा, हम लोग को री एवेल्युएशन चाहिए क्योंकि सारा पेपर गलत चेक हुआ है। हम लोग आरटीआई में अपना पेपर निकलवाए, उसमें देखा गया है कि सारा पेपर गलत चेक हुआ है, और इनफैक्ट सिर्फ हमारे कॉलेजेस में नहीं, बिहार के जितने 10-11 कॉलेजेस हैं सब में यही हुआ है, और सारे कॉलेजेस में प्रोटेस्ट ऐसे ही चल रहे हैं। कितने मांगों को लेकर आप लोग आज स्ट्राइक कर रहे हैं? आप लोग ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है पूरे डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट 2019 बैच के एमबीबीएस का फर्स्ट प्रोफेशनल का रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। रिजल्ट हम लोग का 30 अगस्त को आया था, जिसमें अचानक से आज तक कभी मेडिकल फील्ड में ऐसा रिजल्ट नहीं आया है कि 40% पूरे बिहार के सभी संस्थानों से लगभग 40% छात्र को फेल कर दिया जाता है, और कॉपी जांचने में काफ़ी लापरवाही बरती गई है। उसका एविडेंस है हम लोग के साथ, वो हम लोग आप लोग को दे देंगे। कॉपी जो लापरवाही में जाँच की गई है, कॉपी मतलब जाँच में काफ़ी लापरवाही की गई है। आंसर सही लिखा हुआ है, उसको सही टिक किया गया है, लेकिन उसके लिए मार्क्स नहीं दिया गया, मार्क्स दिया ही नहीं गया। ऑब्जेक्टिव में जो आंसर सही टिक किया गया है, लेकिन मार्क्स नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक पेपर में छात्र को 60-70 नंबर है, वही दूसरा पेपर में 30-35 नंबर है। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है, पास करने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया है, जिसको फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से 40% छात्र को फेल कर दिया गया। अब उसके लिए हम लोगों ने पटना एकेयू यूनिवर्सिटी जो है हमारा, वहाँ हम लोग सभी कॉलेज से हम लोग गए थे 1 सितंबर को, वहाँ हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, तुम लोग आरटीआई करो, अपनी कॉपी देखो, कॉपी की जांच सही की गई। जब हम लोगों ने आरटीआई किया और अपना कॉपी देखा तो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला, उसमें कॉपी की जांच की गई थी कि आंसर सही लिखा हुआ है, सही टिक किया गया हुआ है, लेकिन नंबर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से छात्र को फेल किया गया। अब हम लोग का मांग यही है कि आप उस कॉपी का पुनः जांच कीजिए, सही मूल्यांकन कीजिए और छात्र को पास कीजिए। यही मांग के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक यह मांग नहीं मांगना मांग इसको जब तक कुछ आश्वासन हम लोग को नहीं मिलेगा इसको, तब तक यह प्रोटेस्ट चलता रहेगा। किस ईयर किस ईयर हाय 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 किस ईयर
ईयर के छात्र आप लोग हैं जो आप हम लोग 2019 बैच के छात्र हैं। प्रथम वर्ष का परीक्षा हम लोग दिए थे फर्स्ट प्रोफेशनल। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ 2019 बैच।